first I couldn't believe it. मैं believe नहीं कर पाया. मैंने बोला सर क्या आप बोल रहे हो आप सच्ची में? तो he said हाँ सच्ची में वरुण. And they got the prototype first and he said कि आप सूंघ के देखो आपको चाहिए तो आप एक दिन पहन के देखो and see how it goes through. Also मैंने पूछा था कि ये कितने washes तक रहता है. So I think 4 to 5 washes तक the smell also remains in the vest and then after that you can use it as a normal vest. बट मैंने ये भी पूछा था तो पूरा दिन भी मैंने पहना था वेस्ट. एक दिन मैं वर्कआउट करने के लिए गया था उसके बाद एंड इट रियली डिड लास्ट वेरी वेल यू नो. तो मैं काफ़ी खुश था प्रोडक्ट के साथ. एंड यू नो एज अ एक्टर एज अ सेलिब्रिटी अगर आप कुछ इंडोर्स कर रहे हो तो ऑब्वियसली यू वॉन्ट आपको अपना भी ड्यू डिलीजेंस आप कोशिश करते हो करने के लिए. तो मैंने ये सारे क्वेश्चन पूछे थे और सर ने तो बहुत बोला कि आप खुद टेस्ट करो पहले. बेसिकली कॉमन वेरी मच कॉमन वेस्ट एंड जब किसी भी एक चीज़ के तरह हम कॉमन वेस्ट देते हैं तो अलग अलग परफ्यूम देना इट इज लिटिल बिट इम्पॉसिबल बट वी विल ट्राई इन फ्यूचर. बट नाउ दिस इज द फर्स्ट टाइम वी आर गिविंग ए वन सिंगल परफ्यूम एंड जैस्मिन जैस्मिन परफॉर्मेंस एंड इन फ्यूचर इफ इट विल बी डिमांड. पहले हम लोगों ने करीबन अलग अलग परफ्यूम के अंदर 100 पीस बनियान बनाई थी जो हमने काफ़ी लोगों को दिया. फिर हम एक निष्कर्ष पे पहुँचे कि मैक्सिमम लोग क्या पसंद कर रहे हैं उसके हिसाब से हमने इस निर्णय पे पहुँचे हमें ये करना चाहिए था. आई थिंक आई हैव अ बाथ ट्वाइस अ डे और थ्राइस अ डे बिकॉज लाइक यू सेड समर टाइम होता है तो बहुत स्वेटिंग वेटिंग भी होता है. बट एक्चुअली दिस हैपेंस कि कभी कभी आप जब रोल्स कर रहे हो यू आर वेयरिंग अ फॉर्मल सूट या अ शर्ट लाइक इसके बाद आई हैव टू गो फॉर अनदर इवेंट तो मुझे सूट पहनना है शर्ट पहनना है देन यू गेट स्वेट पैचेस. सो द बेस्ट थिंग इज टू वेयर अ वेस्ट लोग जहाँ दिखते हैं. एंड आई फील दैट मतलब ज़्यादातर लोग जो मतलब काम के लिए जाते हैं ट्रेन पकड़ के या कभी ऑटो पकड़ के सुबह सुबह वो भी हमेशा यू विल सी दैट उनके शर्ट के लाइन से अंदर वेस्ट दिखता है. तो एक उसका वो उपयोग हमेशा होता है. बट अदरवाइज समर टाइम आई थिंक ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर एंड इफ यू कैन हैव अ बाथ ट्वाइस अ डे हैव अ बाथ.